पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगामी महीने में महत्वपूर्ण विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मीडिया अधिकारों की बिक्री भी शामिल है। हालांकि दो चैनल भाग लेने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, उनमें से एक को भुगतान न करने से संबंधित पिछले मुद्दों के कारण वर्तमान में ब्लॉकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा एक तीसरा पाकिस्तानी चैनल एक विदेशी इकाई के साथ साझेदारी के माध्यम से बोली प्रक्रिया में प्रवेश करना चाह रहा है। पीसीबी को उत्पादन अधिकार देने का काम भी सौंपा गया है और इस संबंध में दो कंपनियां कंपटीशन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसमें से एक कंपनी ब्रॉडकास्ट अधिकार सुरक्षित करने के लिए एक विदेशी इकाई के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है। परंपरागत रूप से अधिकारों की बिक्री से पहले व्यापक बाजार अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि यहां अनिश्चित बना हुआ है कि क्या यहां प्रक्रिया इस उदाहरण में शुरू हुई है। पास्ट में पीएसएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मीडिया अधिकार पाकिस्तान के भीतर अलग अलग बेचे जाते हैं। अधिकार आवंटन के इस मौजूदा दौर के दृष्टिकोण का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। विशेष रूप से कई पूर्व अधिकारी इन महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले पीसीबी के भीतर पदों को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी ला रहे हैं। हाल ही में बाबर हामिद, बदर रफाई और शुएब शेख को भी गद्दाफी स्टेडियम में बैठकों में भाग लेते देखा गया था। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बाबा क्रिक न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।